हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ चाइना में जो है रोड कैसे वॉश करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मशीन है, जनरेटर लगा हुआ है और उसके साथ में जो है ड्राइवर साहब देखिए कैसा क्लीन कर रहे हैं। ये मशीन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छी है। जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाइना में ये रोड साफ सफाई कैसी होती है। ठीक है, गाड़ी आगे है, उधर आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं जो है इधर वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ रोड की साफ सफाई चल रही है। ये देखिए इस तरीके का ये मशीन है, जनरेटर लगा हुआ है और पानी का टैंकी भी है इसमें, और आदमी जो है रोड साफ कर रहा है। इसे कहते हैं पावर वॉशर। पानी का टैंक है, जनरेटर भी है, पाइप लगा हुआ है और ये भाई साहब रोड पूरा साफ वॉश कर रहे हैं। नी हाओ, ये देखिए पूरा साफ सफाई चल रही है, पूरा जितना भी डस्ट है पूरा निकल जाता है। चाइना में जो है साफ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो मेरे पीछे जो है ये भाई साहब अच्छा रोड साफ कर रहे थे, तो नी हाओ हेलो। तो ये छोटा सा वीडियो मैं बोला कि भाई मुझे अच्छा लगा तो मैंने बना डाला, तो शायद ऐसे इस तरीके के हमारे पास भी मशीनें आएंगी MCH वाले, अगर कोई वीडियो देखेंगे लेकर आएंगे तो अच्छा रहेगा। साफ सफाई होगी तो जो है हमारे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है भाई। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आई होप अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते रहिए और नए नए वीडियो मैं बताते रहूँगा आपको। ग्रीनरी हर कोई यहाँ पे साफ सफाई चल रही है, यहाँ पे घास उस काट रहे हैं लोग, ग्रीन झाड़ के पत्ती ये वो पूरा ख्याल रख रहे हैं। साफ सफाई का ज़्यादा है यहाँ पे, और ये रेंट वाली साइकिलें हैं यहाँ पे रोड पे रखी है, जिसको भी चाहिए वही QR कोड लगा के आप आराम से जा सकते हो यहाँ पे। सामने भी रखी है, ये रेंट वाली है, येलो वाली जो ब्लू वाली है रेंट वाली है। और ये मैकडोनल्ड आप जो देख रहे हो भाई, ये बहुत पुराना है, मैं जब से आया हूँ जब से देख रहा हूँ ऑलमोस्ट ये मोर देन 25 ईयर्स पुराना मैकडोनल्ड है, और ये जो है 24 घंटे खुला होता है। अगर कोई भी फाशन बे में अगर किसी को भूख लगती है तो यहाँ आके खाना वाना खा सकते हैं आप। इसे कहते हैं भाई टुंगतेंदी मैकडोनल्ड के नाम से मशहूर है, और लुंगसन मैकडोनल्ड के नाम से मशहूर है। गाइस ये छोटा सा वीडियो, आई होप यू लाइक इट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।